Okay. Hello, everyone. Thank you for watching my vlog. जी हमारा पिज्जा रेडी हो गया है, ऊपर से बिल्कुल गोल्डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अभी हम बनाने लगे हैं पिज्जा। उसके लिए हमने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट इस तरीके से पीसेस। ये इतना चिकन जो है उम्मीद है इनफ होगा, और इसको अभी मैं कट करूंगी और मैरिनेट करूंगी। इसको मसाले सारे लगाएंगे मज़ेदार से, उसके बाद डो हम खुद से गूंदेंगे। और बच्चे जो हैं वो एप्पल इस वक्त खा रहे हैं। हेलो, से हाय आयशी, यू टू, यू आर ईटिंग एप्पल। ओके, सो हम अभी इसको बनाएंगे चिकन को और फिर आपको दिखाते हैं। ये कुछ चिकन जो है मैं इसको स्मॉल पीसेस में कट करके इसको मैरिनेट करके रखूंगी। ओके, और कुछ चिकन जो है ना मैंने पैन में डाला है, इसको अभी पिज्जा के लिए यूज करूंगी। इसको जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा और सॉल्ट डाल के फ्राई करेंगे जब तक ये कलर चेंज कर देगा, और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। ये भी जब हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है तकरीबन 5-6 मिनट, तो फिर मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर दिया। और जितनी देर मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा उसी देर तक पका के, तो इसके अंदर योगर्ट और डबल क्रीम ऐड करके इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट और मज़ेदार सा हो जाए। अभी एक दफ़ा जो है टेस्ट डेवलप हो जाए, साथ में जो मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये तंदूरी मसाला ऐड किया, और इसमें थोड़ी सी योगर्ट ऐड करके और थोड़े से अपने मसाले और चम्मच भी रख लूँगी। ये जी हमने लिया है डबल क्रीम, तकरीबन ये एक स्पून अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने अभी 2 चम्मच डबल क्रीम ऐड किए है और तकरीबन 1.5 चम्मच जो है योगर्ट ऐड किया। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ी मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने ताकि हमारा क्रीमी सा मलाई बोटी पिज्ज़ा रेडी हो जाए। इसका हमें चिकन इस तरीके से मलाई बोटी वाला बना लेना। तंदूरी है वैसे मसाला, तो बाकी कैप्सिकम डलेगी, ऑलिव डलेंगे, और हमारा बेहतरीन चीज वाला पिज्ज़ा रेडी हो जाएगा। अब इसको जो है ना मीडियम टू लो हीट पे अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसमें कोई चिकन में कसर ना रहे। और फिर एंड पे मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी, अगर नमक मिर्च का कुछ इशू हुआ तो वो हम ऊपर नीचे कर लेंगे, वैसे उम्मीद है कि ठीक होगा। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया और जो है ना चिलीज नहीं की, वो तंदूरी मसाले की ही हैं। ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, इसमें मैंने क्रीम भी ऐड की है और योगर्ट भी और मसाला वगैरह। और हमारा इधर ये जो चिकन है ये पक रहा है, ये अच्छे तरीके से पक जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएगा। चिकन हमारा रेडी हो गया है, इसको हमने योगर्ट और क्रीम के साथ और तंदूरी मसाला और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ रेडी कर लिया है। और इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के पकाया काफ़ी देर, तो ये बिल्कुल अच्छा टेंडर सॉफ्ट और मज़ेदार सा हो गया। अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी है, और बाकी जो है ना क्रीम के अंदर मैंने पानी ऐड करके तो उसको मैंने फिनिश कर दिया डिब्बे को, और साथ में जो यीस्ट है इसको नीम गर्म पानी के अंदर भिगो दिया। 5 मिनट में जो है ये एक्टिव हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, बाकी अब हम इसको सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे बड़ी ज़बरदस्त सी, और उसको राइज होने के लिए रखेंगे लेकिन 15-20 मिनट में ही वो फूल जाएगी, और फिर उसको दोबारा थोड़ा सा गूंद के तो अच्छे तरीके से रखेंगे। ये जी एक कैप्सिकम है जो कि मैंने ली है ज़बरदस्त साइज़ की, और आटा हमारा जो डो है वो गूंद गई है, तो इसके ऊपर रस्सी मेरे उसमें कप में थोड़ा सा था तो मैंने ऊपर डाल दिया, और इस तरीके से सॉफ्ट डो गूंद लेनी है। और ये हमारा चिकन है जो चटपटा और स्पाइसी सा थोड़ा रेडी हो गया है,
ये हैं हमारे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, इनको अभी हम कट कर लेंगे और कट करके वो भी यूज करेंगे और बस ये सारी चीजें हैं तो हमारा पिज्जा रेडी हो जाएगा। कैप्सिकम और प्याज को जो है ना मैंने ये जी मैंने डो जो है अपनी फैला दी है इसके अंदर और इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे और उसके ऊपर बाकी की टॉपिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने चीज़ और पिज्ज़ा सॉस ऐड की है और उसके ऊपर अब जो है मैं चिकन के चंक्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने सारा चिकन जो है वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। बड़ा बेहतरीन सा जो पिज्ज़ा है, कोशिश करें कि जितना इवनली स्प्रेड हो जाए चिकन उतना जो है ना, मतलब कि हर हिस्से में कुछ ना कुछ चिकन जो है ना वो ज़रूर आए ताकि कोई भी बंदा जो है ना इससे बगैर ना रहे कि साइड पे चिकन जो है वो जिस साइड पे आपको फील हो कि कम लग रहा है वहाँ पे आप जो है ना वो ऐड कर दें। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने ये अनियन और जो है कैप्सिकम इसको बहुत बारीक काटा था, उसकी वजह ये है बारीक काटने की क्योंकि बच्चे जो है ना वो मुँह से निकाल देते हैं तो मैंने सोचा कि जो है ना इसको बारीक काटूंगी ताकि वो जो है ना मुँह से ना निकाल पाए। आयशा 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 डोंट टच, ऊपर से चीज डालेंगे। हाँ तो आई थिंक इनफ है। अब हमें जी ऐड करने हैं ऑलिव्स और इसके ऊपर जो है ना वो चीज ऐड करेंगे। कुछ ऑलिव ऊपर से ऐड करूँगी, कुछ ऑलिव्स यहाँ पे अभी जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। ये हो गया। अब चीज़ श्रेड करके ऐड करती हूँ फिर ऑलिव ऊपर। ये जी हमारा पिज्ज़ा पैन पिज्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसको ज़रा फिर रख के अपना गरम गरम ओवन ऑन करते हैं और इसको हम रखते हैं ओवन के अंदर यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी हमारा पिज्जा रेडी हो गया है, ऊपर से बिल्कुल गोल्डन हो गया। Where we are going? Tell them. Let's go. खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब हमारा प्लान बना है थोड़ा सा पार्क जाने का और बच्चों को घुमाने फिराने का और थोड़ी सी शॉपिंग करने का क्योंकि आज नवीद को छुट्टी है तो हमने कहा चलते हैं। Hello everyone. Thank you for watching my vlog. And when we will no. Okay. Wait a second. Look at you pick. Look at the UK. Look. Look at the video. I need to be fast. Because I am sending the vlog. Look. Hey, sister. Can over there. Okay. Wait a second. Okay. I will send you another vlog when we will. Top in the park. Bye bye. ये है जी हमारा एरिया। ये सारी निकलते ही सारी शॉप्स हैं। लेवन यूम। वो चाय वाला और यहाँ पे सारी उस साइड पे ज्यादा शॉप्स हैं, है ना? इस साइड, हाँ ये लॉन्ग साइड को जाता है। इस साइड पे भी हैं शॉप्स, एसडा है इधर
और काफ़ी सारी शॉप्स हैं और ये बड़ा खूबसूरत और बिजी एरिया है यहाँ पे। बी केयरफुल। ओह आई फॉरगॉट, आई जस्ट फॉरगॉट। आप पार्क में जाकर ना अभी बताओ, टेल अस अबाउट इट। नहीं। या प्लीज। नहीं। हाउ इज द एरिया, डू यू लाइक इट? नेक्स्ट व्लॉग। ये है जी मदीना सुपर स्टोर और इस साइड पे है मदीना मस्जिद, ये हमारे घर के काफी करीब है। बसेस जा रही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये सारी चीजें। आज मौसम प्यारा है, धूप भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत निकल रही है। लेट्स गो। तो अब हम एज़रा में आए हैं और यहाँ से थोड़े से बच्चों के लिए कोई फ्रूट्स वगैरह देखते हैं। जी जी बनाना अब से। हाँ ग्रीन है ये तो है। वो ये येलो ये लुक्स बेटर। ये कितने के हैं? ये केजी के हिसाब से। केजी के हिसाब से 90 का केजी। 90 का केजी खराब है। ये खराब है ना, क्या होगा? अच्छा अच्छा, ये सिंगल बनाना था। हाँ ये ठीक है, ये इतने बड़े हैं ना। हाँ चलो इनको और क्या लेना है? अच्छा इधर ग्राम से और कितने का ये बेसन? 255 तो बड़ा है। 2 kg ना। हाँ उधर कुछ पीस का है 2 kg आइसलैंड पे। अच्छा। ये लैला वालों का, लैला वालों का वैसे बिचे महंगी। लैला वाला को क्लब कार्ड बनवाते हैं ना तो टेस्को पे 1350 का है चावल। अच्छा 10 kg वाला। हाँ वो ले लेंगे सही। क्लब कार्ड हमने अभी जाने पार्क के अंदर, अगर लेट कर दी तो मैंने। हाँ फिर वो बारिश आने वाली है आयशा, ये ना हो कि बारिश आ जाए। कोई चॉकलेट या कोई चीज ले लो, ये वो फिर लेज ले लो, वो जो है क्या लेना मेरे बेटे? कह रही है कि वो ना अनहेल्दी होते हैं, वो नहीं लेने। इधर दो भागो करना, बस हो गया, फिनिश हो गया, डन। आर यू हैप्पी नाउ आयशा? अब आप बनाओगी व्लॉग? ओके हियर वी गो। बाकी विजिट मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब हमें इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।